हेलो दोस्तों, चलिए आज फिर सॉल्व करते हैं एक क्वांटम मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को, जिसमें हमारा एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल दिया हुआ है। साइन साई एन इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, वेर एन इज 1, 2, 3 to n तक। एंड दिस लाइज बिटवीन द एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू एल। देन व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल बिटवीन एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू एल बाई एन व्हेन इट इज इन द nth स्टेट। मीन्स कि हमें उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो एक्स इक्वल टू 0 से लेकर के एक्स इक्वल टू एल बाई एन के बीच में उसकी क्या वैल्यू होगी, कि वो 1/nth स्टेट में होगा तब वो इतने के बीच में पाया जाएगा, या 2/n के होगा या 2n स्टेट में होगा तब वो एक्स इक्वल टू 0 या एक्स इक्वल टू एल के बीच में पाया जाएगा, वो हमें डिटरमाइन करनी है। बेसिकली क्या डिटरमाइन करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल बिटवीन एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू एल बाई एन के बीच में, क्यों कौन से nth स्टेट में होगा, कौन से nth स्टेट में होगा कि तब हम कहेंगे कि वही nth स्टेट एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू एल बाई एन के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ओके सो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसा क्योंकि हमें अपने सिर्फ इस वेव फंक्शन से मतलब है, तो हम इन बाकी सारी चीजों को, वेव फंक्शन और ये लिमिट जो दिया हुआ है उससे मतलब है, तो हम बाकी सारी चीजों को रिमूव करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो हमारा इस हमने लिख लिया है अपना साइन एन इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कौन सा एंथ स्टेट होगा जो एक्स के 0 और एल बाई एन के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होता है, कि हमारा जो ये साई एन होता है इसका मॉड स्क्वायर जो हम निकालते हैं, ये हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन गिवन रेंज। और यहाँ रेंज क्या दिया हुआ है, 0 टू L बाई एन। तो देखिए, हम जब नॉर्मलाइजेशन निकालते थे तो नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते थे कि हम इसी इंटीग्रेशन को हम इक्वल टू 1 करते थे, लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम 1 नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि क्या होगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू, हम ऐसा लिखते हैं कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, पी है। ठीक है। नाउ हम इसको आगे सॉल्व करते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन 0 टू L बाई एन, अब इस साई एन का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये टर्म क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2 बाई एल का स्क्वायर, मतलब कि 2 बाई एल एंड साई साइन एन पाई एक्स अपॉन एल का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई एल इंटू डीएक्स। अब देखिए, ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, हम इसको बाहर ले लेंगे, 2 बाई एल 0 टू L अपॉन n साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल डीएक्स। अब देखिए, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो साइन स्क्वायर अगर थीटा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 2 अपॉन L 0 टू L अपॉन n। यहाँ हम लिखेंगे 1 माइनस cos n cos 2 2 n पाई x अपॉन l
dx, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो हम क्या देख लेंगे कि हमारा जो p है, p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/L, हमारा कांस्टेंट है। पहला इंटीग्रेशन हम यहाँ करेंगे तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और इस पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 to L/N, और सॉरी यहाँ पर हमारा होल के डिवाइडेड बाई 2 भी है। तो यहाँ से ये जो 2 है, ये डिवाइडेड बाई 2 है, ओके। ये हम यहाँ लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 हम कैंसिल आउट कर देंगे जैसा हमारे फॉर्मूले में था। तो यहाँ हमारा सिर्फ क्या बचेगा, 1/L बचेगा, ओके, 1/L बचेगा, और हम इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हमारा माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 2 πNx/L, ओके, एंड 0 to L/N, और जो भी कांस्टेंट रहेगा वो इसके डिवीजन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 πN/L। अब हम क्या करेंगे कि लिमिट को अप्लाई करेंगे, L/N हमने अब लिमिट को अप्लाई करना है। तो हमारा पी क्या हो जाएगा, 1/L। अब अपर लिमिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L/N, 0 0 हो जाएगा, फिर माइनस। अब देखिए ये sin 2 π है, जैसे ही मैं x के प्लेस पे L/N रखूंगा तो मेरा ये L और ये N कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, sin 2 π, और sin 2 π की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और जैसे ही मैं 0 रखूंगा तो भी हो जाएगा sin 0, और sin 0 क्या होता है, 0 होता है। तो मतलब मेरा ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। हमारे पास क्या बचा, हमारी प्रोबेबिलिटी बची 1/L (L/N), और L से L गेट कैंसिल, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आ गई, 1/Nth स्टेट। मतलब कि हमारे जो x है, x जो 0 to लेकर के L/N के बीच में, जब हमारा पार्टिकल 1/Nth स्टेट में पाया जाएगा वो इस लिमिट के अंदर, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का, 1/N।